ओलंपिक्स में जो मेडल्स मिलते हैं उनकी क्या स्पेशल क्वालिटीज़ होती है और उनकी क्या वैल्यू होती है मार्केट में? जैसे कि ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, उनका क्या प्राइस होता है? और इसके साथ जो प्लेयर्स ओलंपिक्स में जीतते हैं उनको मेडल के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है? दोस्तों, इस वीडियो में आप ऐसे ही फैक्ट्स जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो 23 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त 2021 तक चले थे, इसमें चाइना ने करीब 75 मेडल्स जीते थे, जिसमें 34 गोल्ड मेडल थे और वहीं 65 ब्रॉन्ज मेडल थे और 5 सिल्वर मेडल थे। और यही इंडिया ने 5 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। पूरे दुनिया भर में इस ओलंपिक गेम्स में प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम कोशिश करते हैं। हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक गेम्स में टॉप 3 विनर्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो आज हम इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो ओलंपिक्स में जो मेडल्स होते हैं उनकी डिज़ाइन हर साल चेंज होती रहती है। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में जो डिज़ाइनर थे उनका नाम जुनिची कवानिशी था और ये एक जापानी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। गोल्ड मेडल में कितना गोल्ड होता है तो आइए जानते हैं। ओलंपिक खेलों में हर फाइनल मैच में जो विजेता होता है उसे गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस गोल्ड मेडल में एक नाम मात्र ही गोल्ड होता है? वास्तव में गोल्ड मेडल सोना चढ़ाया हुआ शुद्ध चांदी से बनाया जाता है। इसका वज़न करीब 556 ग्राम होता है और गोल्ड महज सिर्फ 6 ग्राम होता है। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर मेडल का वज़न 550 ग्राम होता है, जिसमें शुद्ध चांदी मौजूद होती है, जबकि ब्रॉन्ज मेडल में कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, जिसमें 95% कॉपर और 5% जिंक होती है। अगर सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल को पिघलाया जाए तो इनकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? गोल्ड मेडल को अगर पिघलाया जाए तो इसकी मार्केट वैल्यू $800 होगी, यानी कि 59,319 रुपीज़। वहीं अगर सिल्वर और ब्रॉन्ज की बात करें तो इनकी वैल्यू $450 एंड $5 होगी। हालांकि पिघलाने के बाद इनकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। ओलंपिक में अगर जो फर्स्ट विनर होता है उसको गोल्ड मेडल के साथ 75 लाख रुपीज़ भी दिए जाते हैं और जो सेकंड विनर होता है उसे सिल्वर मेडल के साथ 40 लाख रुपीज़ और जो थर्ड विनर होता है उसे ब्रॉन्ज मेडल के साथ 25 लाख रुपीज़ विनर को दिए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही गजब की और अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियोस आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।